नमस्कार दोस्तों, यूनिक गार्डन पे आपका स्वागत है। सबसे पहले तो दोस्तों आप लोग को नव वर्ष की शुभकामनाएं। आज जनवरी की 3 तारीख है दोस्तों। ठंड काफ़ी पड़ रही है, लगभग 2 डिग्री तक रात में यहाँ का तापमान हो जा रहा है। दोस्तों ये कटिंग मैंने अपने जो इंग्लिश रोज हैं उनकी कटिंग लगाई है। मैंने अपने सारे रोज को रूट प्रूनिंग और ब्रांच प्रूनिंग कर दी है। लगभग ये मैं 10-15 दिन पहले किया था और मैं इसका वीडियो नहीं बना पाया, इसके लिए आप लोगों से सॉरी बोलता हूँ। मेरे पास गार्डनिंग के लिए दिन में तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का ही वक्त मिल पाता है, बाकी मैं अपने दूसरे काम में बिजी रहता हूँ इसलिए नहीं बना पाता। चलिए दिखाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि जो इंग्लिश रोज है उसकी प्रूनिंग आप 1.5 फीट तक करें, उसके नीचे नहीं करें। मैं इसलिए कहा था कि अगर कोई परेशानी होगी तो उसका ब्रांच मतलब उसका ट्रीटमेंट के लिए समय मिल जाए। अगर आप फंगीसाइड रखेंगे, आप मार्केट से कोई भी फंगीसाइड ले सकते हैं। जब भी आप ब्रांच को प्रून करें तो उसके ऊपर फंगीसाइड लगा दीजिए, इससे उसमें फंगस नहीं लगेगा और पौधा ख़राब भी नहीं होगा। मैंने सारे को तकरीबन 3 से 4 इंच छोड़ के सबको प्रून कर दिया। अब ब्रांच में से स्प्राउटिंग हो रही है, देख सकते हैं। मैं यहाँ से स्प्राउटिंग नहीं होने दूंगा, केवल ब्रांच में ही स्प्राउटिंग होने दूंगा। मैंने अपने सारे रोज को प्रून कर दिया है, आप देख सकते हैं। ये ग्रीन रोज है, मैंने इसकी केवल रूट प्रूनिंग की थी, ब्रांच प्रूनिंग नहीं की थी। आइए मैं जो इंग्लिश रोज को रिपोर्ट किया था उसको मैं दिखाता हूँ। धूप काफ़ी कम निकल रहा है जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ ठीक से नहीं हो पा रही है। मैंने इसका पॉटिंग मिक्स कैसे बनाया था इसका पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है, ये देख सकते हैं। फिर भी ग्रोथ हो रही है, थोड़ी बहुत हो रही है, हल्की सी। धूप बहुत कम निकल रहा है जिसके वजह से धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है। देखिए दोस्तों, ये इंग्लिश रोज की कटिंग है। अच्छा, ये जो मैंने बताया था कि जिस पॉटिंग मिक्स में मैंने लगाया था इसमें भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए यदि आप ऐसा करते हैं तो उसमें पानी थोड़ा कम ही दीजिएगा। देखने के बाद कि अगर इसमें नमी पानी ख़त्म हो जाता है तब आप इसको इसमें पानी दीजिएगा। इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो रही हो चुकी है। अब धूप अगर होगा तो ये बहुत जल्दी फ्लावरिंग पे आ जाएगा। मैंने तकरीबन 15 दिन पहले इंग्लिश रोज की प्रूनिंग करके उसकी कटिंग्स को लगा दिया। इधर भी मैंने तकरीबन 200 के करीब लगाया है। अब देखते हैं इसकी रूटीन कब शुरू होती है। देखिए दोस्तों, स्प्राउटिंग हो रही है। मैंने इस पे नेल पॉलिश लगा दिया था, मुझे कुछ नहीं मिला, घर में मिला तो मैंने उसी को लगा दिया। देखिए दोस्तों, स्प्राउटिंग तो पहले हो ही जाती है, रूटिंग काफ़ी देर से शुरू होती है, इसलिए स्प्राउटिंग को देख के आप नहीं कह सकते हैं कि इसकी रूटिंग भी शुरू हो चुकी होगी। इसके तकरीबन लगते हैं कि पौधे ख़राब नहीं, मतलब सारी कटिंग तो नहीं लगेगी, एक दो लगेगी। देख, रुकिए दोस्तों, इसमें लगता है कि इसका रूटिंग चालू हो गया। रुकिए मैं इसको धो के देखता हूँ।
देखिए इंग्लिश रोज की रूटीन, ये जो वाइट वाइट सा आप देख रहे हैं ना, ये पहले ये ही बनता है, उसके बाद रूटीन चालू होता है। यानी कि आप थोड़ा सा केयर करके इसको लगाएंगे तो आप इंग्लिश रोज को बहुत अच्छे तरह से लगा सकते हैं, उसकी रूटीन भी बहुत अच्छी शुरू हो सकती है। ये मात्र 15 दिन का रिजल्ट है, आप देख सकते हैं। मैंने रूटीन हार्मोन का यूज हमेशा करता हूँ, चाहे पौधे खराब हो जाते हैं और कुछ सही निकल। देखिए दोस्तों, रूटीन हार्मोन उसी में काम करता है जो पौधा का आगे चल के रूटीन शुरू होने वाला होता है उसी में काम करता है। अगर जिस पौधे का माल अगर खराब होने वाला, फंगस लगने लगने वाला, रूटीन हार्मोन कभी फंगस से नहीं बचाता, वो उसका केवल जो रूट का डेवलपमेंट है उसी को स्पीड करता है और वो फंगस से नहीं बचा सकता। इसलिए जब भी कोकोपीट या किसी मीडियम में लगाएं तो पानी का विशेष ख्याल रखें। देख रहे हैं इसका रूटिंग, मैंने ये पहली बार ट्राई किया था। मैंने बहुत पहले लगाया था और 2-3 पौधे तैयार हुए थे, उनको मैंने ऐसे ही किसी को सेल कर दिया। फिर उसके बाद मैं कभी कोशिश नहीं किया। इधर फिर ट्राई किया तो 25 पौधे लगाए, तो उसमें तकरीबन 3 जो मैंने आपको दिखाया वो हुआ। इसमें मैंने 200 पौधे लगाए हैं, देखते हैं कितने का पौधा तैयार होता है और कितने खराब होते हैं। मैं फिर इसी में इसको लगा देता हूँ दोस्तों। इस पे मैंने ऊपर कोई चीज़ नहीं लगाया है, देख सकते हैं, इसको मैंने खाली रख दिया। मैंने देखिए दोस्तों, पौधे 2 तरह से तैयार होते हैं। पॉली हाउस में भी एक ओपन वेदर में तैयार होता है, जैसे उसमें शावर लगा जाता है और टेम्परेचर के अनुसार वो पानी का स्प्रिंकल करता है। इससे क्या होता है कि वहाँ का वातावरण ठंडा हो जाता है। टेम्परेचर जैसे नीचे होता है वो शावर ऑटोमेटिक चालू हो जाता है और सारे वातावरण को ठंडा कर दे। इस प्रक्रिया में पौधे की ग्रोथ काफ़ी स्पीड होती है। अगर गर्मी के दिनों में आप चिल्ड वाटर से किसी पौधे पर स्प्रे कीजिएगा ना, तो उसकी ग्रोथ आम पौधे से स्पीड हो जाएगी, क्योंकि ठंडा होने के बाद वो खुद अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा और इसमें उसकी ग्रोथ अच्छे से होगी। ठीक है दोस्तों, फिर किसी नए वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर अभी तक जितने भी वीडियो हैं अगर उसमें कुछ परेशानी आपको लगता है करने में, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।